हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करेंगे क्लास नाइन्थ की सब्जेक्ट है हमारा गणित और वर्कशीट नंबर है बच्चों 25, जिसकी डेट है 31 अगस्त 2020। हमेशा की तरह बच्चों यहां पर आपको अपना नाम लिख लेना है और यहां पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिख लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब। तो इसको हम समझेंगे। समझने से पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और एक बेल आइकन होगा उसको जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में सबसे पहले दिया हुआ है आवश्यक पूर्व ज्ञान, जो आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले, वो है एक रेखा के दो बराबर भागों और एक रेखा पर लंब की पहचान कर पाना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक रेखा के दो बराबर भाग कैसे करेंगे, जैसे कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इस त्रिभुज में अगर 60 डिग्री का एंगल, तीनों एंगल बन रहे हैं, तो ये वाली जो रेखा है ये वाली रेखा के बराबर होती है, ये रेखा भी बाकी दोनों रेखा के बराबर होती है। कहने का मतलब है तीनों रेखा आपस में बराबर होती है। इसी तरह से एक रेखा पर लंब की पहचान का मतलब है बच्चों, ये त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पर ये जो बना हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो रेखा है वो लंब है इस रेखा के ऊपर। तो ये होता है बच्चों मतलब एक रेखा पर लंब की पहचान और दो बराबर रेखा कैसे कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम त्रिभुज एबीसी में एक रचना कर रहे हैं, इसे ध्यान पूर्वक आप समझिए। तो पहला पॉइंट है बच्चों, त्रिभुज एबीसी लिया, जैसे कि आप ये देख रहे हो ये त्रिभुज ले रखा है एबीसी। दूसरा है बच्चों, भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी प्राप्त किया। तो भुजा जो बीसी है उसका मध्य बिंदु है डी, ये वाला बिंदु, ये बिंदु है बच्चों डी, इसको हमने डी बिंदु प्राप्त किया। तीसरा पॉइंट है बच्चों, शीर्ष ए से मध्य बिंदु डी को मिलाया। तो ये वाला जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक हमने क्या करा है, लाइन को मिला दिया है ए से लेके डी तक। तो ये वाली जो रेखा बनी बच्चों, ये वाली रेखा, ये कहलाती है आपकी माध्यिका। यही हमें पता करना था कि माध्यिका कौन सी होती है, ठीक है बच्चों। तो इसी रेखा को हम बोलते हैं एडी, मतलब इस वर्टेक्स के नाम है, इस रेखा का नाम है एडी। तो एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका कहलाएगी, ठीक है बच्चों। तो ज्यामिति में किसी त्रिभुज में शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। यही मैंने आपको बताया, एक रेखा, एक बिंदु जो कि ए है, वो अपने दूसरी साइड बिंदु डी से मैच कर रहा है, तो ये वाली जो रेखा है बच्चों वो माध्यिका कहलाती है इस रेखा की, बीसी की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, किसी त्रिभुज में अधिकतम कितनी माध्यिकाएं हो सकती है? तो अधिकतम कितनी हो सकती है बच्चों, तीन माध्यिकाएं हो सकती है एक त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर तीन माध्यिका मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो भुजों तो जाने, कैसे जानेंगे हम, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिका सदैव त्रिभुज के अंदर होती है या बाहर होती है। अभी मैंने आपको बताया ये एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी एक माध्यिका ये बनेगी, एक माध्यिका ये बनेगी और एक माध्यिका ये बनेगी। तो तीनों के तीनों आप देख सकते हो तीनों माध्यिका अंदर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंदर होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आंसर आपको लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन है, क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिका एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? आप देख सकते हो ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपका एक ही पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आप ये लिख दोगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज की माध्यिका जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें इसने क्वेश्चन किया कि ये जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस प्रतिच्छेद बिंदु को क्या हम कहते हैं? तो वो आपको पता होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे बच्चों हम, इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। ये आंसर हो जाएगा आपका केंद्रक, इंग्लिश में इसको सेंट्रोइड बोलते हैं और हिंदी में इसको केंद्रक बोलते हैं, ठीक है बच्चों।
तो अगला है, अब आपको प्रयास करना है त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं के नाम बताने हैं। पी क्यू आर के माध्यिकाओं के नाम क्या क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए आप, ये वाला पहली माध्यिका है, ये दूसरी माध्यिका है और ये तीसरी माध्यिका है, ठीक है बच्चों? तो तीनों के नाम क्या क्या है? ये माध्यिका पी बी है, ये माध्यिका आपकी क्यू सी है और ये माध्यिका आपकी ए आर है या आर ए है, एक ही बात है। तो तीनों यहाँ पर लिख दीजिए, पी बी क्यू सी एंड ए आर, ठीक है बच्चों? तो ये आंसर आपका हो जाएगा इसका, क्लियर है? तो इस तरह से हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे। अब आगे समझते हैं, दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर, ये जो शीर्ष लंब कैसे कहते हैं वो चेक करते हैं। डी ई एफ एक त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी रचना करनी है, ध्यान पूर्वक समझिए। कैसे? त्रिभुज डी ई एफ लिया पहले तो हमने, ठीक है बच्चों? दूसरा, शीर्ष डी से उसके सम्मुख भुजा ई एफ पर एक लंब खींचा, जो शीर्ष मतलब ये पॉइंट जो दिया हुआ है, इससे हमने सम्मुख भुजा ई एफ पर एक रेखा, एक भुजा खींची और वो कितने एंगल का बना रही है? ये 90 एंगल का बना रही है। तो ये जो DG बन गई, ये DG जो है वो शीर्ष लंब कहलाएगा। ये वाली जो लाइन है बच्चों, इसको बोलेंगे हम शीर्ष लंब। ऊपर वाली और इसमें ये डिफरेंस है, उसमें 90 का बनाएगी नहीं बनाएगी तो भी वो माध्यिका कहलाएगी, मगर यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी तभी ये शीर्ष लंब कहलाएगा, ठीक है बच्चों? तो जो ज्यामिति में किसी भी त्रिभुज एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उस शीर्ष की सम्मुख भुजा पर लंब होती है, उसे त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं, ठीक है बच्चों? तो अब देखते हैं, भुजो तो जाने, क्या एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंबों की रचना करते हैं? तो आप देख सकते हो ये जो नीचे फिगर दी हुई है, इसके अंदर तीन ही मैक्सिमम से मैक्सिमम शीर्ष लंब हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, या ब्रैकेट में आप हिंदी में लिख सकते हो 3, ठीक है बच्चों? दूसरा क्वेश्चन है, त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो जैसे कि ऊपर हमने देखा था केंद्रक कहलाता है, इसी तरह से यहां पर इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो पॉइंट है ओ, ये होगा आपका बच्चों लंब केंद्र, इसको बोलेंगे लंब केंद्र, ठीक है बच्चों? अब यहां पर क्वेश्चन पूछा है, प्रयास करना है आपको त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष लंबों के नाम बताने हैं। तो ये वाला जो है पहला शीर्ष लंब है क्यू सी, ये वाला जो है वो दूसरा शीर्ष लंब है ए आर, और ये वाला जो बच्चों है वो तीसरा शीर्ष लंब है, यहाँ पर ए आर हो गया, ये वाला जो है वो हो जाएगा पी बी। तो यहाँ आंसर आ जाएगा पी बी ए आर एंड क्यू सी, ये तीनों के तीनों क्या है आपके शीर्ष लंब है, ठीक है बच्चों? तो अब हम देखते हैं, प्रयास करते हैं, कुछ क्वेश्चन अभ्यास करते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो तीनों माध्यिका आपको दिखानी है, तो मैं आपको बता दूं, ऊपर जो फिगर दी हुई है ये वाली, ये जो फिगर है ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, आपके जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर ये, एक त्रिभुज दिया हुआ है और तीनों माध्यिकाएं दिखाई हुई है, ठीक है बच्चों? अगला प्रश्न है, त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये आपका शीर्ष लंब दिखा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ये वाला। तो आप दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये फिगर, ये मतलब जो दिया हुआ है आपको आकृति, और ये आकृति हो जाएगी आपकी पहले का आंसर, ठीक है बच्चों? तो अगर वीडियो आपको समझ में आई, नहीं आई तो दोबारा से सुन लीजिए, आई है तो लाइक जरूर करें, अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियो चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी से जल्दी शेयर कर दे, जिससे कि कोई भी वीडियो वो मिस ना करे और वो भी वर्कशीट अपनी टाइमली सबमिट करे, ठीक है बच्चों? तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।